नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को 3 किलो अफीम सहित किया गिरफ्तार। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाई विशेष मुहिम। 2 भगोड़ों को किया काबू। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश कर 3 किलोग्राम अफीम जब्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ये गिरोह ड्रग्स की तस्करी और पैकेजिंग कर विदेश भेजने में सक्रिय था। वहीं उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को CIA टीम ने माता रानी चौक पर न्यू संत नगर के रहने वाले चवाहत को गिरफ्तार किया और उसके पास से 1 किलोग्राम अफीम बरामद की, जिसके बाद भार्गव कैंप पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसके 2 साथी पवन कुमार और रणबीर सिंह भी इस तस्करी में शामिल है। उसी दिन पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर उनके पास से 2 किलो अफीम बरामद की। तो वहीं पुलिस को संदेह है कि ये गिरोह ड्रग्स को पैकेट्स में पैक कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तस्करी करता था। इस सिलसिले में NDPS एक्ट की धारा 29 जोड़ी गई है और ड्रग्स के अन्य नेटवर्क व सहयोगियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मानदेव श्री स्वपन शर्मा जी, पुलिस कमिश्नर जालंधर, जिन्हों के दिशा निर्देशों से साढ़े इंस्पैक्टर CIA ने सुरेंद्र कुमार वाली पुलिस पार्टी ने 3 बंदे गिरफ्तार किए, जिन्हों के नाम चाहत, पवन ते रणवीर, जिन्हों के कोलों 3 किलो OPM रिकवर की, जिहड़े खिलाफ मुकदमा भार्गव कैंप के दर्ज किया गया। पहले कोई मामला दर्ज है जी? इन्हों पहला भी जरा इन्होंने खिलाफ पहला भी 2 मुकदमे दर्ज है। पवन कुमार पहला भी अरेस्ट किया गया, जेल के आए थे, दोबारा आकर फिर OPM का काम करना पड़ता है। एक बड़े खुफिया अभियान में जालंधर ग्रामीण पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलजिंदर सिंह उर्फ बलजिंदर और सुखा सिंह, दोनों निवासी गांव बंगीवाल खुर्द के रूप में हुई है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खख ने कहा कि इलाके में आपराधिक तत्वों के खिलाफ चल रही जंग के तहत ये गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले ऑपरेशन में लंबे समय से भगोड़े बलजिंदर सिंह को निशाना बनाया गया, जिन्हें सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर नूरमहल चौक नकोदर से गिरफ्तार किया गया। एक अन्य ऑपरेशन में सुखा सिंह को लार रोड पर एक कृषि भूमि से बिजली की तारों की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि बलजिंदर सिंह चोरी और न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए IPC की संबंधित धाराओं के तहत 24 अगस्त 2019 को दर्ज केस में वांछित था। सुखा सिंह को बिजली बुनियादी ढांचे की चोरी से संबंधित BNS धाराओं के तहत 5 जून 2024 को मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रारंभिक जांच से पता चला कि दोनों आरोपी एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा हैं। गिरफ्तार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और आपराधिक गतिविधियों में उनके आगे पीछे के संबंधों की जांच की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मरीजों के बीमार होने के बाद उनका इलाज कर उन्हें स्वस्थ कर घर भेजने वाली सिविल अस्पताल जीरा का महिला स्टाफ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस संबंध में हमारी टीम से बातचीत करते हुए सिविल अस्पताल जीरा में तैनात स्टाफ नर्स ने बताया कि अस्पताल में अक्सर ही लड़ाई झगड़े के अलावा और कई तरह के मरीज पहुंचते हैं और उनके साथ उनके रिश्तेदार भी बड़ी संख्या में सिविल अस्पताल जीरा में पहुंचते हैं। अक्सर ही रात के समय उनके द्वारा वार्ड में शोर शराबा किया जाता है और अगर स्टाफ नर्सों द्वारा उन्हें शोर शराबा करने से रोका जाता है तो उक्त लोगों द्वारा उनके साथ बदसलूकी की जाती है, जिसके चलते वे सिविल अस्पताल जीरा में ड्यूटी के दौरान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार
ड्यूटी पर आते समय उनके पर्स भी लूट लिए जाते हैं। वहीं जब इस संबंध में सिविल अस्पताल जीरा में तैनात SMO डॉक्टर मनजीत कौर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के अलावा जीरा पुलिस को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक सिविल अस्पताल जीरा में कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किया गया है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। अस्पताल जीरा दे विच नर्सिंग स्टाफ काम कर रही है। मैनू हुण तकरीबन इत्थे 20 साल हो गए काम करदिआं ते 20 साल तो पहला जो हालात सीगे उहनां नालों हुण बहुत डिफरेंट हालात हो गए आ, क्योंकि पहला सीगे पेशेंट्स बहुत कदर करदे सीगे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਆ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 10-10 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਟਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ SDM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੈਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਸਟਾਫ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲਸ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ 2 ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵੀਪਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਵ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰੂਨਗਰੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਪਰ ਉਨਕਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਕਰ ਉਹਨੇ ਸਰਬੱਤ ਕੇ ਭਲੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸੀ ਬਾਤ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਰਹੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਯਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਹੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਵੀ
पंजाब में हुए उपचुनावों में मिली जीत के लिए वाहेगुरु जी का शुक्राना अदा किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज परम पिता परमात्मा का गुरु साहब का शुकराना करने के लिए अमृतसर की पवित्र धरती के उपर पहुंचे, क्योंकि जिन्ना वड्डा माण सानू निमाणे नू मैनू और छोटे वीर शहरी कलसी जी मिले है पार्टी वालों, परम पिता परमात्मा वालों और पंजाब के लोगों वालों, संगत वालों। मैं समझदा कि असी इन्ने जोगे सी नहीं जिन्ना पार्टी ने और परमात्मा ने सानू माण बख्शे, उस गल का शुकराना करने के लिए। और पिछले दिनों के जो बहुत वड्डी जित बाय इलेक्शन दे विच पार्टी नू पंजाब दे विच होई है, उहदा शुकराना करन दे लई और सरबत दे भले दी अरदास करन दे लई, पंजाब हमेशा चढ़दियां कलावां दे विच रहे, दिन दुगणे रात चौगणे तरक्कियां करे, यही अरदासा करन दे लई अज दरबार साहब दी पवित्र धरती ते पहुंचे हां। जिम्मेवारी वड्डी वधी जी, वड्डी जिम्मेवारी हुंदी आ पंजाब दे मिली, सारे संगठन नू इकट्ठा करके रखना हुंदा है, बड़ी वड्डी जिम्मेवारी तुहाडे ते मिली है, तुसीं इस नू किस तरह निभाओगे, किहड़े-किहड़े टास्क ने आउण वाले तुहाडे रहण वाले? देखो मैं समझदा कि साडा आम आदमी पार्टी कोई पार्टी बाद दे विच है, परिवार पहला है, इस चीज़ नू मुख रख के सारिआं नू नाल लै के बुक्कल च लै के फिर चलांगे, सारे दे सलाह मशवरे नाल चलांगे। और तुसी थोड़े दिनों दे विच ही देखोगे कि सारे दे सारे साथी पार्टी दे सारे साथी तुहानू एक प्लेटफॉर्म दे उपर अज वी ने ते अग्गे नू वी नज़र आउणगे। इलेक्शन दी इलेक्शन आ रही है जी, उहदी वी इक वड्डी जिम्मेवारी है तुहाडे ते, सारे जणे इकत्तर हो, शहरी जी तुहाडे नाल ने, इक यूथ चेहरा ने, किवें दा महसूस हो रिहा भगवंत सिंह मान? कोई गल नहीं जी, राजनीति दे विच चोणां आउंदियां ही हुंदियां ने, चैलेंजेस दे विच अपॉर्चुनिटी निकलदी हुंदी है। जदों केजरीवाल साहब उन्हां दियां सलाह मुताबक, उन्हां दे दिशा निर्देशों मुताबक, मान साहब की अगवाई दे विच जदों सारे असी पार्टी दे वड्डे छोटे वर्कर वलंटियर MLA अहुदेदार सारे दे सारे रल मिल के लड़ांगे, ते एक दे विच ही बरकत हुंदी है। बाबा नानक उस एके नूं और साडी साफ नीयत नूं भाग लाउणगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। अकाल पुरख का शुकराना करना है और उहदे तों अरदास बेनती करके पंजाब की चढ़ती कला ली और अपनी पार्टी की चढ़ती कला ली अरदास बेनती। तुहाडे नाल दा यूथ है पंजाब दा, तुहाडे वर्गे ने, तुहाडे हम उम्र ने, नशे कर रहे ने, कई कई बहुत खेडां दे विच उपलब्धियां लै रहे ने, कोई सुनेहा देना चाहुंदे हो यूथ? देखो जी मैं दसना चाहुंदा, जे मैं एक यूथ हाँ, नौजवान हाँ, मैं एक विधायक बन सकता, ये आपो अपनी सोच है, आपो अपनी मार्ग दिशा है, जे चंगे रस्ते चुनते हैं तो अखीर मेहनत की लोड़ होंगी है, मंजिल तुहानू अपने आप ही मिलती है। जालंधर छावनी की अधीन आते दीपनगर में भीमजी पैलेस की बैक साइड वाली गली में जंगली जड़ी बूटियां काफ़ी हो गई थी, जिस कारण इलाका वासियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते इलाका वासियों ने इस संबंध में प्रसिद्ध समाज सेवक अजय कुमार पीपाल को अपनी समस्या संबंधी अवगत करवाया, जिसके चलते समाज सेवक अजय कुमार पीपाल ने कर्मचारियों को बुलाकर इन जड़ी बूटियों को कटवाकर लोगों की समस्याओं को हल करवाया, जिसके चलते इलाकावासी विशाल, अनिल खरे, विकी, मुकेश, पंडित प्रेमनाथ, मोनू, रिम्पी, विमला सहित सभी इलाकावासियों ने प्रसिद्ध समाज सेवक अजय कुमार पीवाल का आभार भी व्यक्त किया। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। मेरा नाम रिम्पी है जी, तो असं दीपनगर च रह रहे हैं, साढ़े इधर जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा हुई हुई सी, तो असी भाई अजय भाई ने फोन किया तो 15 मिनटों के भाई अपने टीम को लैके आ गई है, तो देखो बहुत वधिया काम किया इन्होंने, ब्रश कटर पूरा लगा दिता इन्होंने, तो बाकी बहुत वधिया हो गया, 15 मिनटों के साडा काम भी खत्म हो गया और सफाई बिल्कुल हो गई है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत मेहरबानी ताड़ी काम कराने वास्ते। नमस्कार जी, मैं अजय पीवाल, सोशल वर्कर दीपनगर जी। जिदा कई भैन भरावान का फोन आया कि भाई जी साढ़े गली के पिछे आके देखो जी, भीम जी पहले बैक साइड जड़ी बूटियां बहुत, सप कीड़े का बड़ा तगड़ा आतंक इतने पिया हो, तो उस गल असं समझते हुए अच्छ पहल के आधार पर पहुंचे हैं, तो सारी सफाई असी अच्छ कराई शुरू की हुई है दीपनगर की, तो जिदा भी कोई भैन भरा सानू हुक्म करता है असं उस हिसाब से काम करते हैं, असं काम करते हैं तो काम करते रहेंगे। जय हिंद जी। माँ बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक नम्मा पिंड चौंक जालंधर में माँ बंगला मुखी जी के निमित्त साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया, तो वहीं सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रोबिन चौहान से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सब परिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। वहीं सिद्धमा बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित
माँ भक्तों को अमृत वचनों का व्याख्यान करते हुए कहा कि गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है व गौ सेवा से यश कीर्ति सौभाग्य का द्वार खुलता है। इस अवसर पर समीर कपूर, मनीष शर्मा, राकेश शर्मा, अमरेंद्र कुमार शर्मा, रिंकू सैनी, सुखा अमनदीप, चेतन अरोड़ा, अवतार सैनी, गौरी, केतन शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ बगलामुखी जी। आज माँ बगलामुखी धाम जी के पावन द्वार माँ बगलामुखी धाम गुलमोर सिटी जलंधर च महामाई के निमित्त साप्ताहिक जिहड़ा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। बड़ी बुड़ी दूरों आई हुई संगत ने महामाई के दरबार च पहुँच के हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां और जगदंबा के चरणों का आशीर्वाद मंगया। और महामाई तो असी यही सारे भगत जन कामना करते हैं जगदंबा इदा ही साढ़े सारे भगतों के मनों के जिहड़ा भाव है तुहाडे चरणों के निमित्त वो इदा ही शुद्ध और निर्मल रहन और आप जी का जिहड़ा आशीर्वाद है ये सानू मिलता रहे। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि माँ बगलामुखी धाम च हर वीरवार नू निशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आप भी आओ अपने मित्रगण संबंधियों के नाल पहुँच के इस निशुल्क हवन यज्ञ का जिहड़ा लाभ उठाओ और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय माँ बगलामुखी जी। जय वीरवार का हवन यज्ञ किया गया और भगत जिहड़े हैगे आ सवेर तो ही मंदिर परिसर में पहुँच के उन्होंने महामाई के दरबार से हाजरियां लगाईया और उस तो बाद उन्होंने हवन यज्ञ आहुतियां पाईया और नाना प्रकार के जिहड़े भोग जिहड़े महामाई नूं उह अर्पण किए गए। महामाई उन्होंने कृपा कर और खुश रहन भगत सारे तंदुरुस्त। जय मां ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਜਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਓ ਗੁਲਮੋਹ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਮੋਹ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮਹਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਧਾਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ। स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से शहीद भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल में साप्ताहिक माँ बगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया। तो वहीं हवन यज्ञ से पूर्व सर्वप्रथम पूजनीय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया एवं अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस हवन यज्ञ में माँ बगलामुखी जी के भक्तों ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर माँ बगलामुखी हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाली। उपरांत श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने कहा कि माँ बगलामुखी जी की पूजा उपासना करने से घर में और ही हर एक बुरी दृष्टि दूर होती है। इस अवसर पर पूज्य गुरु माँ नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा, सुनीश सुशील ग्रोवर, दीपक गोस्वामी, बलविंदर यादव, राघव मांगव, महिला संकीर्तन मंडी की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, राधा अरोड़ा, मीनू जैन सहित असंख्य माँ बगलामुखी जी के भक्तों ने हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाली एवं माँ बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया व आए हुए मुख्य यजमानों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बगलामुखी देवी जी साचे दरबार की जय। नमो नमो अम्बे सुकरनी, नमो नमो अम्बे दुखरनी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी, शशि लाट बखमखा विशाला, नेत्र लाल भित्ति विकराला, रोम मात को अधिक सहावे, दर्श कर जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लगीना, पालन हेतु अंधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सबनाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती का तुम धारा,
दे सतबुद्धि श्रीमणी उभारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई फाड़ कर खम्बा रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरणा कश को सर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जगमाही श्री नारायण अंग समाही शीर सिंधु में करत विलासा ध्या सिंधु दी जे मन नासा हिंगलाज में तुम्ही भवानी महमा अमित अंजात बखानी मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतरानी छिन्न बाल बग दुख निवारनी केहरी वाहन सोहे भवानी। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नजदीक वाखला पुल जालंधर की तरफ से साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन नवग्रह शोषोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाईं। इस अवसर पर डॉक्टर जसवीर अरोड़ा इंद्रजीत छाबड़ा मुनीष हांडा विजय हांडा सचिन कुलवंत सोनू मुकेश चौधरी नीरज कपूर परवेश कपूर साहिल राकेश सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सर मंगल मांगल शिवे सर्वाधिक गौरी नारायण नमस्ते। आज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोर्स दीख जलंधर में माँ बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें बढ़ चढ़ कर श्रद्धालुओं ने भाग लिया तथा माता रानी की कृपा प्राप्ति की। हर वीरवार सुबह 7:30 से 8:30 और हर शनिवार सुबह 7:30 से 8:30 हर वीरवार को माँ बगलामुखी जी के निमित्त और हर शनिवार को माँ शनिदेव जी के निमित्त हवन यज्ञ किया जाता है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि माता बगलामुखी जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए इस हवन यज्ञ में जरूर आएं तथा अपनी मनोकामना सारी पूर्ण करें। जयकारा बगलामुखी माता का बोल। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को 3 किलो अफीम सहित किया गिरफ्तार। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाई विशेष मुहिम। 2 भगोड़ों को किया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।